जी। बोलो जी। अब हमारी शादी हो गई है, ऑफिस से छूटने के बाद दोस्तों के साथ बेकार में भटकने के बजाय सीधे घर आ जाना। तुम्हारी पत्नी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मान लो अगर लेट हो गया तो? क्या ऐसा करोगे तो रूठकर सीधा किचन में चली जाऊंगी। तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे किचन में चला आऊंगा। चलो। मुझ पर जो गुस्सा है वो तुम उस बेचारे प्याज पर उतारो। उसके बाद मैं प्यार से तुम्हारे पीछे आकर अपने दोनों हाथ तुम्हारे कमर पर रखूंगा और तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूंगा। उसके बाद तब तुम रोती रहोगी। तुम्हारी आंखों से जो आंसू गिरेंगे उसकी वजह मैं नहीं, वो प्याज है। फिर तुम्हें प्यार से देखते हुए तुम्हारे और करीब आकर तुम्हारा माथा चूमूंगा, तुम्हारे गुस्से को और ठंडा करने के लिए तुम्हारे हाथों में एक रिंग पहनाकर फिर सॉरी कहूंगा। रिंग? Sorry, darling. कंजूस। उसके बाद? उसके बाद और क्या? हम दोनों के बच्चे हो जाएंगे, नाते पोते हो जाएंगे, आखिर में हम दोनों दादा और दादी माँ बनकर रह जाएंगे, बस इतना ही। अब प्रेम, हम बूढ़े तो डेफिनेटली होंगे। मान लो तब तक तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं नहीं जी पाऊंगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रही तो तुम नहीं जी पाओगे, तब हम क्या करेंगे? हम दोनों जब दादा दादी बन जाएंगे तब हम अपना अलग अलग कमरा लेंगे। वो कमरा हमारा सुहागरात वाला कमरा होगा, बहुत अच्छे से डेकोरेट करूंगा। मैं पलंग पर ऐसे ही बैठा रहूंगा और तुम मुझे इसी तरह लिपटी रहोगी। वो कमरा, वो कमरे की दीवारें, उस कमरे का वो पलंग, कमरे का हर कोना कोना, हमारे प्यार के इस सफर में मैंने तुम्हें जो प्यार दिया और बदले में तुमने मुझे उससे भी ज्यादा जो प्यार दिया, वो सारी यादें समेट कर हर एक पल को याद करते हुए हमारी पूरी लव स्टोरी रिवाइंड करके देखेंगे। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो वो तुम्हारी तिरछी नजर, हमारे आंसू और तुम्हारी मुस्कान, मेरा तुम्हें छेड़ना, तुम्हारा रूठना, मेरा फिर मनाना, गुस्सा, तुम्हारा ना मानना, बदले में तुम्हें तोहफा देना और तुम्हारा खुशी से उछल जाना, इस तरह हमारे बीते हुए हर पल को दुनिया से भूल कर हम हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे, और इसी तरह एक दूसरे की बाहों में हम अपनी आखिरी सांस लेंगे। अंत में हमारे बाद इस दुनिया में बस तीन बातें रह जाएंगी, आई लव यू।